अरे निक्कू भाई को मोड़ दिख गए। जल्दी से मैं कैमरा लेकर जाता हूँ ताकि आप लोगों को भी मोड़ दिखा सकूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे भाई मिल गई मोड़, मिल गई। मजा आ गया भाई, क्या मोड़ है यार, मजा आ गया। अरे इतने सारे बंदर भाई, अरे भाई, अरे भाई बहुत सारे हैं यार यहाँ तो, देखते रहना मेरे पैर के आसपास ना आ जाए। अरे वापस हमारे पीछे आ गया भाग। हेलो गाइस, तो मैं अभी फिलहाल हूँ गुना सिटी में और आज मैं आपको ऐसी ब्यूटीफुल नेचुरल जगह घुमाने वाला हूँ जिसको देखकर आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचर की ऐसी ब्यूटीफुल चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि आपको एकदम मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जस्ट पीछे एक बंदर बैठा हुआ है। बंदरों से थोड़ा बहुत डर भी लगता है क्योंकि ये लोग थोड़े से चोर टाइप से होते हैं, जो भी अपने हाथ में होता है लेकर भाग जाते हैं। यहाँ पर दो बंदर और दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो गाइस आप जो सामने देख पा रहे हैं ये बंदर भाग रहे हैं हमारी गाड़ी की आवाज सुनकर। मैं सोच रहा हूँ आज तो बंदर के साथ एक सेल्फी ले लूं। गाइस यहाँ पर बहुत सारे कैटरपिलर मिलते हुए, अगर एक भी कैटरपिलर चिपक गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अरे भाई, अरे भाई बहुत सारे हैं यार यहाँ तो, देखते रहना मेरे पैर के आसपास ना आ जाए। गाइस नेचुरल जगह देखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी खतरनाक भी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे छोटे ऐसे जानवर मिल जाते हैं ना जिन्हें अगर एक बार आपको काट लिया तो आपकी हालत खराब हो जाने वाली है। तो गाइस मैं आपको ये बात बताना तो भूल ही गया कि हम लोग आखिर जा कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बजरंगगढ़ किला, जो कि गुना सिटी की एक बहुत ही ज्यादा फेमस और एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल जगह है। अभी ऊपर जाते जाते ही यहाँ पर हमें बंदर और कुछ छोटे छोटे जानवर तो मिल ही गए। अब जब हम लोग और ऊपर जाएंगे और मेन किले तक पहुंचेंगे तो वहां पर जाते जाते आपको और कितनी सारी नेचुरल चीजें देखने के लिए मिलेंगी ये तो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बंदर कहाँ बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग की सबसे चोटी पर बैठा हुआ है। भाई गिर मत जाइयो बंदर। वैसे तो मेरी आवाज उस तक पहुंच नहीं रही होगी। गाइज यहाँ पर बंदरों की रेस लगती हुई। अरे इतने सारे बंदर भाई। गाइज यहाँ पर कुछ तितलियां भी मिलती हुई, ओ इतनी सारी तितली भाई, मजा आ गया। तो गाइज अब हम यहाँ पर और ऊपर की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं और क्या क्या मस्त चीजें देखने के लिए मिलती है। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही ज्यादा पुराना किला है और अब हम इसके लगभग मेन डोर तक पहुंच ही चुके हैं। तो गाइज अब फाइनली हम इस किले के मेन डोर तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा गेट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अब हम मेन किले तक पहुंच चुके हैं, अब हम देखते हैं कि किले के अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। तो गाइज यहाँ पर ऊपर से आप देख सकते हैं कि सिटी का कैसा शानदार व्यू देखने के लिए मिलता है, मजा आ जाता है इस व्यू को देखकर। देखिए गाइज हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो नीचे। तो गाइज यहाँ पर निक्कू ऊपर चढ़ चुके हैं। निक्कू भाई हाय बोल। गाइज यहाँ पर मेरे पीछे तो जंगल ही जंगल है अभी ऊपर किले पे एक एरिया में। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो वहाँ पर शायद से कुछ देखने के लिए मिल जाए। तो गाइज अब हम लोग बहुत ही ज्यादा घने जंगल में आ चुके हैं, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है सिर्फ। भाई यहाँ पर कोई शेर वगैरह नहीं आ जाए, यहाँ पर मोर की आवाज तो आ रही है लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वो और ज्यादा घेरे जंगल में, और अगर हम और अंदर गए तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। कुछ खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं, इसलिए अब हम दूसरे एरिया में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कुछ और नेचुरल चीजें। गाइस यहाँ पर निक्कू भाई को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं इससे बोल रहा हूँ कि अपन और अंदर चलते हैं तो ये बोल रहा है कि अब मैं नहीं जा रहा। क्योंकि सही में अंदर कुछ खतरनाक जानवर हो सकते हैं, अब हमें क्या पता। तो गाइज ये तो किले का एक जंगल वाला एरिया था, अब हम मेन किले में जाने वाले हैं, देखते हैं वहां पर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइज अब हम लोग मेन किले की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इस किले के बारे में मतलब फोर्ट ऑफ बजरंगगढ़ के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं। ये दिया गया है कि ये 18th सेंचुरी का किला है। तो गाइज यहाँ पर मेरे जस्ट पीछे एक बंदर बैठा हुआ है, अभी ये मेरी तरफ ही देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मोबाइल वगैरह चुरा के नहीं ले जाए ये। तो गाइज आप ये जो बड़ा सा महल देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा फेमस रानी महल है। पुराने जमाने की काफी सारी रानियां इस महल में रही हैं और इस महल के सामने का जो व्यू है उस व्यू को देख के सही में मजा आ जाता है। गाइज आप यहाँ पर जो मेरे पीछे पार्क देख रहे हैं ये इस किले का सबसे खूबसूरत पार्क है और इस पार्क में घूमने में लिटरली मजा आ जाता है। तो गाइज अब मैं आपको यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, क्या आपने कभी कीचड़ में कमल खिलता हुआ देखा है? आज मैं आपको कीचड़ में कमल खिलता हुआ, कमल का फूल खिलता हुआ एकदम लाइव दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, ये देखिए मेरे पीछे कमल के बहुत सारे फूल खिल रहे हैं
और ये नज़ारा काफी ज्यादा खूबसूरत भी है गाइस। सही में ये कमाल का नेचुरल पार्क है और यहाँ पर पीछे से मोर की आवाज भी आ रही है। अरे भाई ये कुएं जैसा लग रहा है भाई, क्या है इसके अंदर? अरे धोखा हो गया भाई, कचरा फेंकने के लिए बनाया लग रहा है। अरे निक्कू भाई को मोर दिख गए, जल्दी से मैं कैमरा लेकर जाता हूँ ताकि आप लोगों को भी मोर दिखा सकूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे भाई मिल गई मोर, मिल गई मजा आ गया भाई, क्या मोर है यार, मजा आ गया। गाइज यहाँ पर अब धूप आ चुकी है, सनस्क्रीन लगा के आना था यार, काले हो जाएंगे। गाइज अब आगे वीडियो में आपको और भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। और गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बचे हुए किले की सैर करवाता हूँ और देखते हैं हमको क्या क्या और शानदार चीजें देखने के लिए मिलती है। गाइस यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है और यहाँ पर एक शानदार सा नेचुरल पार्क है जहाँ पर काफ़ी सारे बंदर बैठे हुए हैं और वो भी एक साथ एक बंदर अपनी पीठ पे डाल रहा है। चलो मेरा मोबाइल लेने की फिराक में है भाई ये सबसे नटखट बंदर है। अरे वापस हमारे पीछे आ गया भाग। तो गाइस यहाँ पर कुछ पुराने झूले वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन स्टाइलिश चीज़ है वो ये है। तो गाइज ये बेसिकली एक रिसक पट्टी है जिसे बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, इसे बहुत ही पुराने ज़माने में बनाया गया था। गाइज यहाँ पर हमें सांप की आवाज़ भी आ रही है, हम सोच तो रहे हैं सांप दिख जाए और उसका एक शॉट ले ले, लेकिन अगर वो दिख गया तो हमला भी कर सकता है। गाइज यहाँ पर ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर है, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर इतने सारे बंदर हैं कि मुझे बहुत सारा डर लग रहा है कि ऊपर जाऊं तो जाऊं कैसे। तो गाइज अब मैं फाइनली हिम्मत करके ऊपर जा रहा हूं इतने सारे बंदरों के बीचों बीच, और आप यहां पर देख सकते हैं कि बंदरों की फैमिली किस तरह से मस्ती कर रही है। एक बंदर दूसरे बंदर के जुए निकाल रहा है, और आप यहां पर देखिए एक बंदर दूसरे बंदर की टांग खुजाल रहा है। और गाइज इस बंदर को तो देखिए, ये यहाँ का सबसे बड़ा बंदर है, क्योंकि इसके हाथ और जो पूरा शरीर है वो बाकी बंदरों से सबसे ज्यादा बड़ा है। और ये है यहाँ का मंदिर, अभी इस पे काम चल रहा है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह का, और यहाँ पर बहुत सारे बंदर खाना खाते हुए। गाइज आप यहाँ पर जो मूर्तियां देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन मूर्तियां हैं और बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने की मूर्तियां हैं। यहाँ पर जो आप एक एक मूर्ति देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर एक और बहुत अजीब सी चीज हमें मिली है, ये पता नहीं किस तरह का गेट थे और अंदर क्या है और क्यों बनाया गया, मुझे लग रहा है भाई बंदर बंदर का घर होगा। क्यों आए निक्कू, इतना छोटा गेट बंदर वगैरह ने अपने लिए घर बना रखे हैं लग रहा है। तो गाइज अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर एक एक सीढ़ी की हाइट मेरी आधी हाइट के बराबर है, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ना तो पड़ेगा। और ऊपर चढ़ेंगे अभी, इसकी हाइट तो और ज्यादा है भाई, मेरी आधी हाइट से भी ज्यादा हाइट है इस जीने की, तो कोई आम आदमी तो चढ़ ही नहीं पाए। तो गाइस फाइनली इतने बड़े बड़े जीने चढ़ते चढ़ते अब हम बहुत ऊंचे पॉइंट पे आ चुके हैं, और यहाँ से अब मैं आपको व्यू बताता हूँ कि कितना शानदार व्यू आता है यहाँ से। और गाइस यहाँ से आपको जो नज़ारा देखने के लिए मिलता है, उस नज़ारे को देख के, उस व्यू को देख के लिटरली मजा आ जाता है। तो गाइस इस नेचुरल जगह पर आकर जो शांति मिलती है और जो पीस मिलता है उसका लेवल ही अलग है। क्यों निक्कू भाई, सही है, मजा आ गया यहाँ पे आके। तो अब गाइज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि ये एक किला है, मतलब यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, और पहले के जमाने में राजा महाराजाओं पर काफी सारे अटैक हुआ करते थे, तो उन सभी से बचने के लिए यहाँ पर ये काफी सारे ये गड्ढे गड्ढे से बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस दीवार पे पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो इन गड्ढों से आखिर होता क्या था? तो यहाँ पर इस किले के सिपाही इन गड्ढों के जरिए अपनी बंदूक से दुश्मनों पर निशाना लगाया करते थे ताकि वो दुश्मनों से अपने राज्य को बचा सके।
तो गाइस आज मैंने आपको जो पूरा का पूरा एरिया घुमाया है, ये पूरा का पूरा एरिया बजरंगगढ़ किला कहलाता है। अब आपको इस पूरे एरिया में घूम के कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी अपन लोग मिलते हैं अब अगले बहुत ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।